पेश है हिंदी जबान में अपडेट। मोदी शासन अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी के द्वारा कश्मीर की यथार्थता को नहीं छिपा सकता। भारत इस झूठे प्रचार के भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांति पुनः वापस आ गई है विश्व को मिसलीड करने का प्रयत्न कर रहा है। आर्टिकल 370 के बहिष्कार के पश्चात भारत संसार को यह दिखाने का प्रयत्न कर रहा है कि कश्मीर में शांति तथा विकास का एक तथाकथित नवीन युग आरंभ हो गया है। मोदी शासन की 5 अगस्त 2019 की अवैध कार्रवाई ने दक्षिण एशिया में पहले ही व्याप्त गंभीर परिस्थितियों को और अधिक जटिल कर दिया है। 5 अगस्त 2019 के पश्चात नई दिल्ली ने कश्मीरियों के साथ पाशविकता तथा कश्मीर के कॉलोनीवाद के प्रयत्नों को और अधिक तेज कर दिया है। भय तथा आतंक का वातावरण व्याप्त करने के लिए भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत कश्मीर को एक सैनिक गैरिसन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में निरंतर हृदय विदारक हत्याओं, टॉर्चर तथा अपहरण के समाचार मिल रहे हैं। भारत का हठपूर्ण आचरण कश्मीर विवाद के समाधान तथा क्षेत्र में शांति की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा है। मोदी की अतिवादी नीतियों ने दक्षिण एशिया की शांति तथा स्थायित्व को दांव पर लगा दिया है। क्षेत्र में स्थायी शांति कश्मीरियों की इच्छाओं के अनुसार कश्मीर विवाद के समाधान के बिना संभव नहीं है। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।